असलकुम उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे सो टूडे विल टॉक अबाउट पावर्टी पावर्टी एलिवेशन एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम चाइनाज़ पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स सो फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर हम पावर्टी को डिफ़ाइन करें तो इट्स अबाउट के यू डोंट हैव द मिनिमम फाइनेंशियल रिसोर्स रिक्वायर्ड टू फुलफ़िल योर बेसिक नेसेसिटीज़ मतलब कि अगर हम एक गरीब इंसान को एक पुअर पर्सन को डिफ़ाइन करें तो ये कह सकते हैं कि एक ऐसा बंदा जिसके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्स ही ना हों कि वो अपनी लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ को भी पूरा कर पाए तो उस बंदे को हम एक पुअर पर्सन कह सकते हैं एंड जनरली पावर्टी को डिफ़ाइन uh, करने के लिए या डिटर्मिन करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तफ क्राइटेरियाज़ रखे गए हैं देट आर बेसिकली डिफाइंड बाई दी वर्ल्ड बैंक सो वर्ल्ड बैंक ने एक मिनिमम स्टैंडर्ड uh, एक सेट किया है जिसकी बिना पर ये जज किया जाता है कि दुनिया की कितनी पॉपुलेशन पावर्टी uh, मत में रह रही है ठीक है सो दैट्स कॉल्ड एज द इंटरनेशनल पावर्टी लाइन अगर हम पावर्टी लाइन के डेफिनेशन देखें तो इट्स दैट के पावर्टी लाइन इज द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम डीम्ड इनएडिकुट टू मीट द बेसिक ह्यूमन नीड्स विच आर फूड शेल्टर वाटर ड्रिंकिंग वाटर क्लोदिंग सैनिटेशन एजुकेशन हेल्थ केयर एंड इंफॉर्मेशन और ये डेफिनेशन दी गई थी बाय यूएन एन डिकलेशन एट दर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट और अगर हम इस इंटरनेशनल पावर्टी लाइन की थ्रेश वैल्यू की बात करें तो हर साल या ओवर द टाइम इसको तब्दील किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेज लेकिन ओवर द टाइम हमने ये देखा कि मुख्तलफ ऐसे इवेंट्स हुए कि जिसकी वजह से दुनिया में कमोडिटीज़ की प्राइस हमें बढ़ती हुई नज़र आई तो दैट इज़ वाई वक्त के साथ साथ इसकी जो थ्रेश वैल्यू है इसको चेंज uh, किया जाता है विद अ न्यू वैल्यू रिप्लेस किया जाता है ठीक है सो करेंटली सेप्टेम्बर 2022 में वर्ल्ड बैंक ने हमें एक नई थ्रेश वैल्यू दी ऑफ द इंटरनेशनल पावर्टी लाइन एंड दैट इज़ 2.15 पॉइंट वन डॉलर्स तो इस थ्रेश वैल्यू से अगर कोई कम पे सर्वाइव करता है तो दैट मीन्स की दैट पर्सन इज़ लिविंग अंडर एक्सट्रीम पावर्टी अब अगर हम ये देखें कि पावर्टी की आ, इतनी इम्पॉर्टेंस क्यों है तो दैट इज़ बिकॉज इट इज़ द रूट कॉज ऑफ मैनी सोशल इश्यूज़ एंड सोशल कॉन्फ्लिक्स ऑल राइट और इसकी इम्पॉर्टेंस का अंदाज़ा हमें यहाँ से होता है कि यूनाइटेड नेशंस के जो सेवनटीन सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स थे उनमें फ़र्स्ट नंबर पे जो गोल है दैट इज़ नो पावर्टी अगर इस गोल के अचीवमेंट में हम चाइना के सक्सेस की बात करें तो हमें ये बात पता चलती है कि बाय द एंड ऑफ 2020 चाइना ने मुकम्मल तौर पे अपनी इस नो पावर्टी के गोल को अचीव कर लिया था एंड दिस वाज अनाउंस बाय द चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ के चाइना ने अपने सौ मिलियन लोगों को पावर्टी से निकाला है वो भी सिर्फ आठ साल के अरसे में यानी 2012 से लेकर 2020 तक तो अगर हम चाइना का वर्ल्ड बैंक का डेटा देखते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि 1990 में चाइना में तकरीबन 750 मिलियन लोग ऐसे थे जो कि पावर्टी लाइन से नीचे रह रहे थे यानी वर लिविंग इन दी एक्सट्रीम पावर्टी उसके बाद चाइना ने अपने इस चैलेंज को फेस करने के लिए मुख्तलिफ रिफ़ॉर्म्स लाए और मुख्तलिफ अपने प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग दोज़ रिफ़ॉर्म्स उन्होंने अपना काफ़ी सक्सेस इस मामले में अचीव किया एंड बाय 2012 जो 750 मिलियन के करीब चाइनीज़ लोग थे जो कि गर्बत में रह रहे थे वो कम होके सिर्फ रह गए नबे मिलियन ठीक है और 2016 तक वो मजीद कम हो के सिर्फ रह गए 7.2 मिलियन ऑल राइट सो यू कैन सी के दिस इज़ सच ह्यूज सक्सेस ऑफ चाइना इन दिस रिगार्ड ओके ना विल जस्ट लुक एट कि चाइना ने ऐसा क्या किया कि इतने कम वक्त में उसने अपना ये नो पावर्टी गोल अचीव किया सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि चाइना ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने ये किया कि जो फार्मर्स थे वहाँ पर उनके बीच लैंड को डिवाइड किया डिस्ट्रीब्यूट किया ठीक है और आ, उन्हें मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स सिखाई और मॉडर्न एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट प्रोवाइड किया ताकि Uh, जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है उसको इंक्रीज़ uh, किया जा सके जो प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हेंस किया जा सके इसके अलावा जो मार्केट पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस किया गया मोर ओवर जो हमारी इंटर रीजनल ट्रेड थी उस पर uh, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस को ख़त्म किया गया ताकि इंटर रीजनल ट्रेड फैसिलिटेट हो पाए ऑलराइट अब अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो उस पर चाइना ने सबसे बेहतरीन जो काम किया वो ये था कि उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री पे फोकस किया कि उन्होंने ये सोचा कि हम अब जो भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेंगे वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए क्योंकि यही बेहतरीन तरीका है एक कंट्री को प्रॉस्परस बनाने का और वहाँ के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने का ठीक है सो द थिंग इज़ कि चाइना ने अपने लोगों को सिर्फ मॉनेटरी असिस्टेंस नहीं दी सिर्फ मॉनेटरी सपोर्ट नहीं दी बल्कि उनकी कैपेबिलिटीज़ को इनहेंस किया बाय बायप्रूविंग देयर स्किल्स ठीक है और उनको इस काबिल बनाया कि वो अपने लिए अपनी इनकम खुद जनरेट कर पाएँ ठीक है ना कि सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हों इसके अलावा अगर नाइनटीन के डेकेड की बात करें तो चाइना ने एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जिसे पावर्टी एलिविएशन का सबसे बड़ा प्रोग्राम कहा जाता है इन हिस्ट्री सो उसका नाम था अर्बन मिनिमम लिविंग गारंटी और दबाओ प्रोग्राम ठीक है और इस प्रोग्राम के सक्सेस की सबसे बड़ी पीछे जो वजह थी वो ये थी कि सेंटर और लोकल गवर्नमेंट दोनों ने एक दूसरे के साथ कॉप्रेट किया सो so, बेसिकली इस प्रोग्राम के तहत लोगों को गारंटी uh, दी गई लोगों को uh, एक तरह की सपोर्ट दी गई इन फोर मेजर एरियाज़ इंक्लूडिंग हाउसिंग हेल्थ एजुकेशन एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर ऑल राइट और इसमें भी अगेन लोगों को मॉनेटरी uh, सपोर्ट नहीं दी गई उनको कैश पेमेंट्स नहीं की गई बल्कि uh, उनको प्रोवाइड किया गए लो रेंट हाउसेस और हेल्थ इंश्योरेंस लेटर ऑन इन 1994 चाइना में एक और नया जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका नाम था एट डैश सेवन नेशनल पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम जिसके तहत ये प्लान किया गया कि उन्हें अपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना है स्ट्रॉन्ग बनाना है ठीक है और एडिशनल फंड्स प्रोवाइड करने हैं जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो उनकी ओवर उनकी इफ़ेक्टिव एलोकेशन और यूटिलाइजेशन को भी इंश्योर करना है ऑल right? और इसमें सबसे मेजर जो काम हुआ वो ये था कि फाइनेंशियल uh, रिसोर्स जो ऑलरेडी डिवेल्प प्रोवेंसेज थे वहाँ से फाइनेंशियल रिसोस मोबलाइज़ करके डाइवर्ट की गई टूवर्ड तो दी अंडर डिवेलप प्रोवेंसेज ऑफ़ चाइना ठीक है सो so, ये भी एक चाइना का बहुत ही एक एम्बिश पावर्टी एलिवेशन का प्रोग्राम था जिसका मकसद ये था कि 80 मिलियन लोगों को सात साल के अरसे के अंदर पावर्टी से निकाला जाए गुर्बत से निकाला जाए ऑल राइट सो अलॉन्ग विद डैट चाइना की गवर्नमेंट ने हेल्थ और एजुकेशन पे ख़ास फोकस किया लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की गई और साथ ही जो बेसिक एजुकेशन है उसको मैंडेट्री करार दिया गया अलॉन्ग विद डैट जो लोकल रिसोर्स से इनकम जनरेट की जाती है उसको प्रमोट किया गया सो so, ओवरऑल जाना कि इस पूरी पॉवर्टी रिडक्शन की जर्नी से हमारे लिए सीखने को बहुत कुछ है फर्स्ट थिंग इज़ इसके हमें इसको एक प्रायोरिटी इशू कंसीडर करना चाहिए जो रिसेंट वर्ल्ड बैंक का डेटा है उसके मुताबिक पाकिस्तान में पावर्टी रेशो है थर्टी नाइन टू फोर्टी परसेंट एंड दिस इज़ अ वेरी हाई रेशो तो ऑबियसली हमें इसे एक नेशनल इशू के तौर पर ट्रीट करके इसको प्रायोरिटी बेसिस पे हल करने की कोशिश करनी चाहिए एंड फॉर दैट जो हमें चाइना के प्रोग्राम से सीखने की ज़रूरत है वो ये कि पोलिटिकल विल होनी चाहिए पोलिटिकल विल होनी चाहिए ऑल्सो सेंटर और लोकल गवर्नमेंट्स में प्रोवेंशल गवर्नमेंट्स में कंसेंसस होना चाहिए क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियल एलोकेशन से हम किसी भी प्रोग्राम को सक्सेस नहीं बना सकते सो देर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोलिटिकल कमिटमेंट एंड जुडिशस फाइनेंशियल एलोकेशनस इसके अलावा वी नो के हमारा मेजर पॉपुलेशन चंक ऑफ पॉपुलेशन रिलाई करता है ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर तो उन लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाए जाएं और उनको पूरे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जाए पाकिस्तान में जो लैंड का कल्चर है दिस इज़ द बिगेस्ट हिंड्रेंस और इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए पॉलिटिकल विल होनी चाहिए सो फर्स्ट थिंग इज़ कि इस लैंड का जो कल्चर है इसको ख़त्म किया जाए जो फार्मर्स हैं, चाइना के प्रोग्राम पे काम करते हुए उनमें हमें लैंड डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए और चीन से ही मदद लेके हमें यहाँ पर एग्रीकल्चरल मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स और इक्विपमेंट्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए ताकि हमारा लेबर प्रोडक्टिव हो पाए हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट मैक्सिमाइज हो पाए सो दिस इज़ वेरी नेसेसरी स्टेप और जहाँ तक हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात है तो वी शुड फोकस ऑन इस्टेब्लिशिंग एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्रीज़ और इसकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करता है चाइना थ्रू द प्रोजेक्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जिसके अंदर ऑलरेडी नौ स्पेशल इकोनॉमिक जोनस प्लान कर लिए गए हैं और उनमें तीन पर तेज़ी से काम जारी है वहाँ पर आगे चल के इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश की जाएंगी एंड पाकिस्तान इज़ ऑलसो रिसीविंग मैसेज फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन दोज़ इकोनॉमिक जोन्स लेकिन हमें इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि हमें एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे इस्टेब्लिश करनी होंगी क्योंकि इसी तरह ही हम अपने इकोनॉमी को एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बना सकते हैं जो कि ऑब्वियसली हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो गया इसके अलावा अगर हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए तो हमारी गवर्नमेंट को उस पर भी ख़ास काम करने की ज़रूरत है क्योंकि ये लैक ऑफ एजुकेशन है और इलनेस ही है जिसकी वजह से पावर्टी होती है जिसकी वजह से लोग लोगबत से नहीं निकल पाते हैं सो so अगर ज़्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट वी शुड मेक दी बेसिक एजुकेशन मैंडटरी और ये प्रोविज़न ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है लेकिन वी नीड टू इम्प्लीमेंट इट सिंसियरली ऑल्सो वी हैव सीन के अक्सर कोई भी प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हमारी सेंटर और प्रोविंस के बीच अक्सर क्लैश हो जाता है जिसकी वजह से वो प्रोग्राम आखिरकार ख़त्म करना पड़ता है सो वी नीड टू डिवेलप बिल्ड कंसेंस जिसके लिए ऑलरेडी हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन uh, की तरफ से दैट इज़ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर प्रोवेंसेस आपस में और सेंटर और प्रोवेंसेस आपस में अपने किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं निगोशिएट कर सकते हैं और किसी सही कंक्लूजन पे पहुँच कर आगे बढ़ सकते हैं सो फॉर नेशन सेक वी नीड टू डिवेलप और बिल्ड दिस कंसेंसिस ताकि फिर हम जो भी प्रोग्राम्स बनाएं उनको हम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाएँ क्योंकि हमारा पावर्टी का जो रेशो है वो काफ़ी बढ़ चुका है एंड इट इज़ इंक्रीजिंग एट एन अलाम रेट सो हमें अब इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है और वैसे भी हमें अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना है और उनको पूरा करने से अभी हम काफ़ी दूर हैं सो वी नीड टू वर्क अलॉट इन दिस एरिया एन अदर थिंग दैट वी कैन डू व लर्निंग फ्राम चाइना इज़ दैट वी शुड अबॉलिश ऑल रेस्ट्रिक्शंस इन द वे ऑफ इंटर रीजनल ट्रेड यानी कि हम Uh, हमें वो तमाम स्टेप्स लेने चाहिए वो तमाम मेजर्स लेने चाहिए कि जो हमारी इंटर रीजनल ट्रेड को सपोर्ट uh, करें और फैसिलिटेट करें और वैसे भी हमारा सी का प्रोजेक्ट हमें वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि हम फ्यूचर में एक रीजनल हब के तौर पर उभरें सो so, अभी से हमें इस एरिया में काम करना होगा क्योंकि ये हमारे लोकल ट्रेडर्स और लोकल बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा अदर दैन दैट इट विल ऑल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इसके अलावा अगर हम बात करें कि सो so फार हमारी गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए हैं पावर्टी रिडक्शन uh, के हवाले से तो वी गेट टू नो कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस कराए हैं लाइक एहसास प्रोग्राम एंड बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ठीक है लेकिन ये वाले प्रोग्राम्स लोगों को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं ठीक है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये प्रोग्राम्स अनसस्टेनेबल हैं लाइक वी कैन नॉट अटेन सस्टेनेबल पावर्टी रिडक्शन थ्रू दीज प्रोग्राम्स सो इससे बेहतर ये है कि हम अपने लोगों को स्किल्स दें उन्हें ये सिखाएं कि वो किस तरह अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं बाई यूजिंग लोकल रिसोर्स और यही एक तरीका है जिसके थ्रू एक सस्टेनेबल पावर्टी एलिवेशन को अचीव किया जा सकता है वो इसलिए क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल करेंटली ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है इन फ्यूचर अगर इन प्रोग्राम्स को ख़त्म कर दिया जाता है लाइक एहसास प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इनको ख़त्म कर दिया जाता है अबॉलिश कर दिया जाता है तो इन दैट केस हमारे लोग वापस गुर्बत में चले जाएंगे सो दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू सॉल्व दिस इशू इसके अगेंस्ट हम हुकूमत के एक और प्रोग्राम की बात करें दैट इज़ ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग जैसा कि कामयाब जवान प्रोग्राम है यूथ के लिए तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम इसके थ्रू लोगों को स्किल्स भी दिए जाते हैं और साथ में उनको माइक्रो फाइनेंसिंग दी जाती है ताकि वो अपने स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप्स इस्टेब्लिश कर पाएँ और अपने लिए खुद इनकम जनरेट कर पाएँ नाउ वी नो के बाई टेकिंग लीड फ्राम चाइना वी कैन सॉल्व दिस इशू ऑफ़ पावर्टी एंड वी कैन अचीव गोल ऑफ नो पावर्टी एंड ऑबियसली हमारे पावर्टी रेशो को देखते हुए You can see uh, it's high time that we should start working on our poverty alleviation. So now let's end this video here. If you found it helpful, though please like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.